ख्याल है, बिल्कुल हम फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, टाइटल है जी टॉप 25 सेलिंग कार्स फरवरी 2023, बेस्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया 2023। स्टार्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सिंगारी, मेरे साथ हैं मलिक जवाद, राणा मोहम्मद अली। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों बात करते हैं फरवरी 2023 में टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स कौन सी रही और साथ ही साथ उनकी लेटेस्ट एक्सट्रीम प्राइजेस भी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल। 25th पोजीशन पर महिंद्रा की एक्सयूवी 700 4,505 यूनिट्स बिकी हैं फरवरी 2023 में। एक्सयूवी 700 की सेल्स काफी शानदार हो रही है और यहाँ पर इस पर नॉर्मली एक साल का वेटिंग पीरियड आपको मिल जा रहा है। स्टार्टिंग प्राइस है 13,45,000 रुपए और टॉप मॉडल के लिए इसकी प्राइस जाती है 25,47,000 रुपए तक। अभी हाल ही में इसका एक बेस वेरिएंट 5 सीटर में MX के साथ लॉन्च किया जाएगा डीजल वेरिएंट में, जिसकी जानकारी हमने आपको संडे कार न्यूज एपिसोड में दी थी। 24th पोजीशन पर मारुति सुजुकी इग्निस 4,749 यूनिट बिकी है फरवरी 2023 में। इसको अपडेट करके लॉन्च कर दिया गया है, BS6 फेज 2 रेडी इग्निस लॉन्च कर दी गई है। इग्निस की जो प्राइस है वो शुरू होती है 5,82,000 रुपए से और 8,28,000 रुपए तक जाती है। 23rd पोजीशन पर महिंद्रा की थार एक लाइफ स्टाइल ऑफ रोडर एसयूवी है, 5,004 यूनिट बिके हैं फरवरी 2023 में महिंद्रा थार में। अब महिंद्रा थार के साथ रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया गया, लेकिन उस वेरिएंट पर अभी हाल ही में 50,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर इसकी अब प्राइस शुरू हो रही है 9,99,000 रुपए से और 16,49,000 रुपए तक जाती है। 22 पोजीशन पर ह्युंडई की ओरा 5,524 यूनिट बिके हैं फरवरी 2023 में। ह्युंडई ओरा एक कॉम्पैक्ट सेडान है, इसको इसी साल अपडेट मिले हैं, फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया गया है और रोड प्रेजेंस के मामले में अब ये और भी शानदार लग रही है। प्राइस की बात करें तो 6,30,000 रुपए से इसकी प्राइस शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए इसकी प्राइस 8,58,000 रुपए तक जाती है और अब इसमें आपको डीजल वेरिएंट नहीं मिलता है। 21st पोजीशन पर किया कारेंस जिसके 6,248 यूनिट्स बिके हैं फरवरी 2023 में। किया कारेंस के प्राइसेस की बात करें तो 10,20,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है और 18,45,000 रुपए तक जाती है। 20 पोजीशन पर मारुति सुजुकी अर्टिगा 6,472 यूनिट बिके हैं मारुति सुजुकी अर्टिगा के। ये भी एक एमयूवी है, यहाँ पर आपको सीएनजी का ऑप्शन भी इसके साथ मिल जाता है। एक्चुअल प्राइस की बात करें तो 8,49,000 रुपए से शुरू होती है और 12,92,000 रुपए तक जाती है। लास्ट ईयर ही इसको अपडेट्स दिए गए हैं। 19 पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो 6,950 यूनिट्स बिके हैं फरवरी 2023 में। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ एक नया S5 वेरिएंट भी लाया जा रहा है और यहां पर ये BS6 फेज 2 रेडी करके लॉन्च की जाएगी। यहाँ पर महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक की प्राइस शुरू होती है 12,64,000 रुपए से और 16,14,000 रुपए तक जाती है। लास्ट मंथ इसके प्राइस को बढ़ाया गया है। इसके अलावा महिंद्रा स्कॉर्पियो N भी आती है जिसकी प्राइस 12,74,000 रुपए से शुरू होकर के 24,05,000 रुपए तक जाती है। 18 पोजीशन पर टाटा की हैचबैक टियागो जिसके 7,457 यूनिट्स बिके हैं। टाटा की टियागो की सेल्स डे बाय डे अच्छी हो रही है। यहाँ पर टियागो की प्राइस की बात करें तो 5,53,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए इसकी प्राइस 8,05,000 रुपए तक जाती है। 17 पोजीशन पर किया सेल्टॉस एक मिड साइज एसयूवी है, किया की तरफ से 8,012 यूनिट्स बिके हैं। किया सेल्टॉस के बेस मॉडल से ही आपको काफी अच्छे फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और उम्मीद ये की जा रही है इस साल के मिड तक मई या जून में इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी लाया जा सकता है। हालांकि सेल्स पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, सेल्स वैसी ही हो रही है और ये टॉप सेलिंग में जगह बनाए हुए है। 10,69,000 रुपए से इसकी प्राइस शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए इसकी प्राइस जाती है 19,15,000 रुपए तक। फरवरी में इसके प्राइस को बढ़ाया गया था। 16 पोजीशन पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा 9,183 यूनिट्स बिके हैं मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के। ये भी एक मिड साइज एसयूवी है, यहाँ पर इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। प्राइस की बात करें तो 10,45,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए इसकी प्राइस
19,65,000 रुपए तक जाती है। 15 पोजीशन पर Hyundai की i20, 9,287 यूनिट्स बिके हैं Hyundai की i20 के। इसमें भी डीजल वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ये भी केवल पेट्रोल और टर्बो पेट्रोल में आती है, और कुछ ट्रांसमिशन को भी हटाया गया था जिसकी जानकारी हमने आपको संडे कार न्यूज एपिसोड में दी थी। साथ ही साथ 7,19,000 रुपए से इसकी एक्स रूम प्राइस शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 11,83,000 रुपए तक जाती है। 14 पोजीशन पर Hyundai की ग्रैंड i10 Nios, हाल फिलहाल ही फेसलिफ्ट अपडेट लॉन्च किया गया है, 9,635 यूनिट बिके हैं फरवरी 2023 में। पेट्रोल और सीएनजी दोनों में अवेलेबल है, प्राइस इसकी शुरू हो रही है 5,69,000 रुपए से और 8,47,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद महिंद्रा की बुलेरो, महिंद्रा की बुलेरो के 9,782 यूनिट्स बिके हैं, इसमें बुलेरो और बुलेरो नियो दोनों ही आते हैं। बुलेरो की प्राइस 9,53,000 रुपए से शुरू होकर के 10,48,000 रुपए तक जाती है और बुलेरो नियो की प्राइस 9,48,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए 11,99,000 रुपए तक जाती है। इसमें भी आने वाले टाइम में आपको कुछ नए अपडेट देखने को मिल सकते हैं, टेस्टिंग के दौरान इसका एक नया वेरिएंट भी सामने आया था। 12th पोजीशन पर किया सोनेट, 9,836 यूनिट बेचे हैं किया सोनेट के, 104 मीटर एसयूवी है। यहां पर किया सोनेट में अभी डीजल ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है और एक्चुअल प्राइस की बात करें 7,69,000 रुपए से इसकी प्राइस शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए इसकी प्राइस जाती है 14,39,000 रुपए तक। 11 पोजीशन पर Hyundai की वेन्यू, 9,997 यूनिट्स बिके हैं। हाल फिलहाल ही BS6 फेज 2 रेडी वेरिएंट को लॉन्च कर दिया गया है Hyundai की तरफ से SUVs में, तो ये भी BS6 फेज 2 रेडी इंजन के साथ अब आ रही है। एक्चुअल प्राइस शुरू होती है 7,68,000 रुपए से और टॉप मॉडल के लिए 13,11,000 रुपए तक जाती है। 10 पोजीशन पर Hyundai की क्रेटा एक मिड साइज SUV है, टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हो गई है, 10,421 यूनिट बिके हैं Hyundai क्रेटा के। Hyundai क्रेटा को भी BS6 फेज 2 रेडी इंजन के साथ लॉन्च कर दिया गया है, साथ ही साथ यहां पर इसमें थोड़े से प्राइस को भी बढ़ाया गया है। एक्चुअल प्राइस 10,84,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए इसकी प्राइस 19,13,000 रुपए तक जाती है। 9 पोजीशन पर टाटा की पंच, 11,169 यूनिट्स बिके हैं टाटा पंच के और टाटा पंच की एक्चुअल प्राइस 6,00,000 रुपए से शुरू होकर के टॉप मॉडल के लिए इसकी प्राइस जाती है 9,47,000 रुपए तक। कहा जा रहा है कि अभी आने वाले मंथ्स में इसका CNG वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया जाएगा लगभग 8,50,000 रुपए के आसपास। इसके बाद मारुति सुजुकी इको 8 पोजीशन पर 11,352 यूनिट्स बिके हैं। मारुति सुजुकी इको की प्राइस शुरू होती है 5,24,000 रुपए से और 6,50,000 रुपए तक जाती है। 7 पोजीशन पर टाटा की नेक्सॉन, 104 मीटर SUV है, 13,914 यूनिट्स बिके और साल 2022 में मैक्सिमम महीनों में ये नंबर 1 बेस्ट सेलिंग SUV बनी रही। 7,79,000 रुपए से इसकी प्राइस शुरू होती है और टॉप मॉडल के लिए इसकी प्राइस जाती है 14,25,000 रुपए तक। टाटा नेक्सॉन के साथ भी आपको CNG वेरिएंट देखने को मिल सकता है और उम्मीद ये की जा रही है कि अफोर्डेबल प्राइसिंग में आपको देखने को मिल जाएगा, 8,00,000 रुपए के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। टॉप 25 बेस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में 6 पोजीशन पर मारुति सुजुकी ब्रेजा, 15,787 यूनिट्स बिके हैं फरवरी 2023 में। इसी के साथ ही नंबर 1 बेस्ट सेलिंग SUV बनी फरवरी 2023 में। केवल पेट्रोल वेरिएंट में ही ये आती है और इसकी प्राइस शुरू होती है 8,18,000 रुपए से और इसके टॉप वेरिएंट्स के लिए इसकी प्राइस जाती है 14,03,000 रुपए तक। इसके बाद है मारुति सुजुकी डिजायर, एक सेडान है जिसके 16,798 यूनिट्स बिके हैं और ये 5th पोजीशन पर आ गई है। इसकी एक्चुअल प्राइस 6,43,000 रुपए से शुरू होकर के टॉप मॉडल के लिए 9,31,000 रुपए तक जाती है। इसके बाद मारुति सुजुकी वैगनार 4th पोजीशन पर 16,889 यूनिट्स के साथ में। यहां पर इस हैचबैक की प्राइस शुरू होती है 5,52,000 रुपए से और टॉप मॉडल के लिए इसकी प्राइस जाती है 7,39,000 रुपए तक। वैगनार के साथ फ्लैक्स फ्यूल वाला वेरिएंट भी अभी अनवील किया गया था लेकिन उसको लॉन्च कब तक किया जाएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है, 8 से 9 लाख रुपए के बीच कहीं इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 और ऑल्टो 800 दोनों के ही कंबाइंड यूनिट 18,114 बिके हैं। पेट्रोल और CNG के साथ यहां पर इसका ऑप्शन मिल जाता है। ऑल्टो 800 तो केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आती है। ऑल्टो 800 की प्राइस 3,53,000 रुपए से शुरू होकर के टॉप मॉडल के लिए 4,56,000 रुपए तक जाती है और K10 में आपको AMT का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ प्राइस 3,99,000 रुपए से शुरू होती है और 5,89,000 रुपए तक जाती है। सेकेंड हाईएस्ट सेलिंग कार है फरवरी के महीने की मारुति सुजुकी स्विफ्ट,
जिसके 18,412 यूनिट्स बिके हैं और ये दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। मारुति सुजुकी की तरफ से एक हैचबैक है, अभी हाल ही में इसका ब्लैक कलर भी लॉन्च किया गया है जो काफी शानदार लग रहा है। 5,99,000 रुपए तक शोरूम प्राइस शुरू होती है और 8,96,000 रुपए तक जाती है। नंबर वन पोजीशन पर मारुति सुजुकी बलेनो एक प्रीमियम हैचबैक है, 18,592 यूनिट्स बिके हैं फरवरी 2023 में। मारुति सुजुकी बलेनो लॉन्च होने के बाद से ही टॉप सेलिंग में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रही है और इसकी प्राइस भी काफी डिसेंट रखी गई है और इसमें आपको काफी शानदार फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। 6,56,000 रुपए तक इसकी एक्चुअल प्राइस शुरू होती है और इसके टॉप मॉडल के लिए इसकी प्राइस 9,66,000 रुपए तक जाती है। कोई खास वेटिंग पीरियड बलेनो पर आपको देखने को नहीं मिलता है, आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं। इससे पहले टॉप सेलिंग ब्रांड्स कौन से रहे और उन्होंने कितनी गाड़ियां बेची हैं उसकी जानकारी हमने आपको दे दी है और अब हम आपके लिए टॉप 25 बेस्ट सेलिंग एसयूवी का वीडियो भी लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गश तो बड़े हैं, मैं तो वैसे ही ये जो पिछली वीडियोस वगैरह देखी हैं वो उनसे मैं तो फैन हो गया यार, खास तौर पे जो प्राइसेस हैं उनकी वजह से। बिल्कुल जी, बिल्कुल ना, क्योंकि जो मैक्सिमम प्राइसेस हैं वो 25-26 लाख से ऊपर जा ही नहीं रहे, ठीक है, 14 से ऊपर नजर नहीं आ रही है। जो इनके टॉप वेरिएंट्स हैं, शुरू में एक दो जो टॉप वेरिएंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऊपर से आप जैसे थार का वो कह रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी जो पहले थार ये लोग रिलीज कर रहे थे उसकी फ्रंट व्हील थी, ठीक है, अभी इन्होंने रेयर व्हील की है ना, हाँ वो है, पहले भी फोर व्हीलर ही थी लेकिन पहले उसकी फ्रंट व्हील पे थी पावर सारी, अभी वो रेयर व्हील पे ले गए मेरे ख्याल से, अभी थार की भी ज्यादा होगी से, क्योंकि रेयर व्हील जो ड्राइव है ना वो बड़ी कमाल की होती है। तो बाकी प्राइसेस तो यार कमाल हैं कसम से, इसमें कोई शक नहीं है। स्विफ्ट यहाँ पे 32-35 लाख की मिलती है, ठीक है, अभी और बढ़ जाएंगी प्राइसेस कुछ दिनों में। होंडा की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी क्योंकि उन्होंने अपना वो जो सेटअप है वो क्लोज कर दिया, वो कह रहे हैं कि जी आप नहीं बनाएंगे प्राइसेस की क्राइसिस की वजह से, तो प्राइसेस ऑलरेडी उनकी बढ़ जाएंगी, प्राइसेस विद क्राइसिस हाँ। तो बाकी इतने इनके फंक्शंस हैं, ठीक है, बोल के आपको साउंड सिस्टम लगे हुए हैं, यहाँ पे तो देखने को नहीं मिलते, यहाँ पे दो नंबर स्टिकर लगा होता है बिल्कुल। और ओवरऑल मैं तो बहुत फैन हूँ यार कसम से, इतनी प्राइसेस अगर पाकिस्तान में होना तो अल्लाह पाक कर्म करें तो फिर मैं अपने सारे शौक पूरे करूं। ये तो इधर भी आम बंदा जो है वो ले सकता है, लेकिन हमसे जो है ना वो यहाँ पे तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन इंडिया में तकरीबन हर बंदे के पास अब गाड़ी है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि ये प्राइसेस की वजह से। अब आप देखें उधर 3-4 लाख की गाड़ी मिल जाती है अच्छी, और लेकिन यहाँ पे 3-4 लाख आप लोगों को वैगनार 8 लाख में फुल ऑप्शन वाली मिल रही है, यहाँ पे बेसिक ऑप्शन वाली 24 लाख की है। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि इसमें कितना बड़ा डिफरेंस है। अभी इंडिया उधर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके अलावा बस ट्रैक्टर की हमने दिन को भी किया था रिएक्शन, और ट्रैक्टर भी खुद बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, एक्सपोर्ट भी करता है, वो भी लेटेस्ट साथ जो स्कूटी जाती है इम्पोर्ट होती है वहाँ पे, उधर जो जाती है वो सारी इंडिया से बन के जाती है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में पता नहीं क्यों ट्रेड ओपन करते, पाकिस्तान में भी आए ये वो ये है कि हम लोग आपको एग्जांपल बता रहे हैं कि करप्ट जो बंदे होते हैं ना वो किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के। और बाकी ओवरऑल वीडियो बाकी वो रोज शीशा देखता है उसे पता है इसीलिए तो वो आंसर है ना, खुद ही करप्ट है, अल्लाह माफ करे, वो कोई गुनाह ही ना करो बेटे। बाकी वीडियो अच्छी थी, मजा आया, वीडियो देखकर एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, इसमें कोई शक नहीं है, एंड लव भाई जान, सारी वीडियो बोले ना एंड मिला यार मैं भूल गया हूं, प्लीज आई होप ये वीडियो आप लोगों ने, एक मिनट है हम लोग चल।
लगा अपनी मर्जी ना लगा आई होप अपनी मर्जी ना लैंड लाना जेड़ा मर्जी आ आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी हमें तो बहुत अच्छी लगी एंजॉय किया है इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पीस